आज हम मैथमेटिकल लॉजिक के इस वीडियो में कर्वस, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। इसके बाद हम लॉजिकल इक्विवेलेंस देखेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव से। सो लॉजिक कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते क्या है? तो फ्रॉम कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनते हैं। ऐसे बनते हैं फ्रॉम कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट पी, राहुल इज अ बॉय, और क्यू लेंगे राहुल प्लेज क्रिकेट। हमने पहला एक स्टेटमेंट लिया पी, राहुल इज अ बॉय। सेकेंड स्टेटमेंट लिया राहुल प्लेज क्रिकेट। सो फ्रॉम कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर इसमें कंडीशनल लगा हुआ है तो ये होगा पी इंप्लाइज क्यू। और कंडीशनल में हम क्या फ्रेज का यूज करते थे, दैट इज इफ देन। तो यहां जब हम फ्रेज का यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट बनेगा इफ राहुल इज अ बॉय देन ही प्लेज क्रिकेट। यहां आप राहुल प्लेज क्रिकेट भी लिख सकते हो, सो इट इज ही प्लेज क्रिकेट। तो ये हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट। पर हमने तो बात कही है कि फ्रॉम कंडीशनल स्टेटमेंट हम कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरीके से बनेंगे ये देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नेम, कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स कर देना, उसे उल्टा कर देना। तो जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो कन्वर्स क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? P implies Q. So कन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा? Q implies P. कन्वर्स क्या हो जाएगा? Q implies P. अब मेरे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा राहुल प्लस क्रिकेट हुआ और सेकेंड स्टेटमेंट राहुल इज अ बॉय। तो ये स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा? इफ राहुल प्लस क्रिकेट देन ही इज अ बॉय। If Rahul plays cricket, then he is a boy. It is called the converse. उसके बाद हम बात करेंगे inverse की। तो inverse क्या होता है? Inverse मतलब negative चीजें होना। So यहाँ पर negation का use होगा। तो inverse होगा इस conditional statement P implies Q का, negation of P implies negation of Q. Negation of P implies negation of Q. तो negation में क्या था? हमें not, nor, neither ये words use करना होता था। So negation of P हो जाएगा Rahul is not a boy, then he does not play cricket. He does not play cricket. कन्वर्स एंड आफ्टर दैट इनवर्स। तो कन्वर्स इज क्यू इंप्लाइज पी, इनवर्स इज निगेशिएशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशिएशन ऑफ क्यू। और अब बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशिएशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशिएशन ऑफ पी। याद रखिए कि जब कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा पार कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए लगेगा। किसके लिए? फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, दैट इज इम्प्लीकेशन के लिए। इम्प्लीकेशन के लिए यूज होगा कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो यहां पर अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? निगेशिएशन ऑफ क्यू इफ राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट देन ही इज नॉट अ बॉय, देन ही इज नॉट अ बॉय। तो ये होगा मेरा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। इट मे बी पॉसिबल दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के कुछ
questions. तो एक example था, so it is from conditional statement, Rahul is a boy and Rahul plays cricket. ये conditional statement से हमने converse, inverse और contrapositive के statements को बनाना सीख लिया. So mathematical logic का next topic है logical equivalence. Logical equivalence पढ़ने से पहले हम statement pattern के बारे में समझ लेते हैं कि statement pattern क्या होता है. तो statement formed by one or more connectives, statement formed by one or more connectives is called as a statement pattern. Statement pattern क्या होता है? Statement formed by one or more connectives. Statement formed by one or more connectives. Connectivities is called statement pattern. उसे हम कहते हैं statement pattern. अब statement pattern का कुछ example देख लेते हैं. Statement formed by one or more connectivities, जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा connectivities लगी होगी उसे हम statement pattern कहते हैं. For example, P and negation of Q implies R. It is like that. यहाँ पर देखिए एक या एक से ज़्यादा logical connectivities का use हुआ है, उसे हम कहते हैं statement pattern. उसे हम कहते हैं statement pattern. अब statement pattern के बाद देखते हैं logical equivalence क्या होता है. तो if two statement have the same truth value, if the two statements have the same truth value, then we called it as a logically equivalent. तब हम उसे कह पाएंगे कि वो logically equivalent है. अगर दो statements का same truth value निकलती है, तब हम उसे कह पाएंगे कि it is a logically equivalent. तो statement patterns हमने क्या देखा? Statement formed by the two or more connectivities, मतलब एक statement ऐसा statement जिसमें एक या एक से ज्यादा connectivities का use हुआ होगा, उसे हम statement pattern कहते हैं. Logical equivalence क्या होता है? जब दो statements की truth value अगर same आती है, तब हम उसे कहेंगे it is logically equivalent. Logical equivalence के बाद हम बात करेंगे टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्टीजेंसी के बारे में. फर्स्ट इज टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी जिस भी स्टेटमेंट पैटर्न की पूरी वैल्यू ट्रू आएगी उसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं. क्या कहा हमने? टॉटोलॉजी किसे कहते हैं? जिस भी स्टेटमेंट पैटर्न की पूरी वैल्यूज ट्रू होगी, वहां पर कहीं पर भी एक भी फॉल्स नहीं होगा, पूरे जो स्टेटमेंट पैटर्न्स का रिजल्ट आएगा वो टी में आएगा, तब हम उसे कहेंगे टॉटोलॉजी. ट्रू वैल्यू इज टी. ट्रू वैल्यू, या फिर हम इसे कह सकते हैं ट्रूथ वैल्यू इज टी ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न. इसे कहते हैं टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी जिसमें ट्रूथ वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी? टी मिलेगी, उसे हम कहेंगे टॉटोलॉजी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेडिक्शन. कॉन्ट्रेडिक्शन, अब कॉन्ट्रेडिक्शन में ट्रूथ वैल्यू एफ होती है. कॉन्ट्रेडिक्शन में ट्रूथ वैल्यू एफ होती है. पूरा जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा उसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें वो एफ ही मिलेगी. सो इन कॉन्ट्रेडिक्शन ट्रूथ वैल्यू is f of the statement pattern. Third one is contingency. अब contingency में क्या होगा? वहां पर हमें true भी मिल सकता है, वहां पर हमें false भी मिल सकता है, मतलब एक mixture होगा वो true और false का, उसे हम कहेंगे contingency. तो truth value is a mixture of T and F statement pattern. तो ये हुआ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्टीजेंसी. क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि शो दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी.
तो हमें वहां पर शो करना होगा कि जो स्टेटमेंट पैटर्न का हमारा जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो पूरी तरीके से टी होगा। आगे पूछ सकता है कॉन्ट्रेडिक्शन शो करिए, आगे पूछ सकता है कॉन्टिजेंसी है। तो यहाँ से हमें ट्रुथ टेबल जब हम स्टेटमेंट पैटर्न बनाते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट का रिजल्ट अगर पूरा टी आता है तो हम उसे टॉटोलॉजी कहेंगे, अगर पूरा फॉल्स आता है तो हम उसे कॉन्ट्रेडिक्शन कहेंगे, और अगर मिक्सचर आता है ट्रू और फॉल्स का तो हम उसे कॉन्टिजेंसी कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। तो अभी हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस को किस तरीके से यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ड आउट किया जाता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिकल कनेक्टिविटीज के ट्रूथ टेबल अच्छे से याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर एक भी मिस्टेक आपका जो लॉजिकल इक्विवेलेंस को चेंज कर सकती है। सो इसलिए लॉजिकल टेबल्स को, ट्रूथ टेबल्स को अच्छे से थोड़ा सा याद कर लीजिए। सो नाउ स्टार्टिंग विथ, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मुझे ये प्रूफ करना है कि P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशिएशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशिएशन ऑफ Q। यहाँ पर वर्ड मास्टर थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ये जो निगेशिएशन है इस कंप्लीट ब्रैकेट को है, दैट मीन्स पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और उसके बाद उस पर निगेशिएशन को अप्लाई करना होगा। सो नाउ वी स्टार्ट विद द टेबल। फर्स्ट राइट, यहां पर आएगा P, यहां पर आएगा Q, P एंड Q। इसके ऊपर हम नंबर्स दे देंगे कुछ। इसे मैं कह दूंगा 1, इसे कह दूंगा मैं 2, नेक्स्ट 3। मुझे क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड P एंड Q, तो थर्ड में लिख लूंगा मैं P एंड Q। अब फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ में हमें यूज करना है निगेशिएशन ऑफ Q, तो इसलिए हम पहले निगेशिएशन ऑफ Q निकाल लेंगे। तो फोर्थ होगा निगेशिएशन ऑफ Q, निगेशिएशन ऑफ Q के साथ P, ये P है, किसके साथ इंप्लाइज करना है, निगेशिएशन ऑफ Q के साथ। सो हम ये ब्रैकेट लिखेंगे, फिफ्थ वन इज P इंप्लाइज निगेशिएशन ऑफ Q, एंड सिक्स्थ वन है ना, यहां पर हमें क्या करना है, P implies negotiation of Q, और sixth क्या है, इस fifth का negotiation, so sixth one is negotiation of P implies negotiation of Q। तो ये बन गया हमारा टेबल। इस टेबल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे क्या शो करना है, यहां क्या शो करना है, ये P एंड Q मतलब ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 3 ये किसके इक्वल होगा, ब्लॉक नंबर 6 के इक्वल होगा, ब्लॉक नंबर 3 ये ब्लॉक नंबर 6 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले P, तो इट इज टी टी एफ एफ, और Q कैसा लिखते हैं हम, टी एफ टी एफ, इट इज टी टी एफ एफ, और Q में क्या होता है टी एफ टी एफ। तो यहां पर सिंबल यूज किया हुआ है एंड। अब थोड़ा सा कंजंक्शन की तरफ जाते हैं, एंड मतलब कंजंक्शन, और कंजंक्शन क्या कहता था, अगर दो टी होंगे तो ट्रू होगा, बाकी सारी चीजें फॉल्स होगी। तो दो टी होगा तो ट्रू होगा, बाकी सारी चीजें फॉल्स हो जाएगी। सो बाकी सारी चीजें फॉल्स हो जाएगी, दैट मीन्स अब मुझे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो ये जो थर्ड नंबर का जो टेबल है, कॉलम है, वो यहां पर 6 के इक्वल आना चाहिए, मतलब थर्ड कॉलम 6 के इक्वल आना चाहिए, 6 की भी वैल्यूज टी एफ एफ और एफ ही आनी चाहिए। तो अब फोर्थ टेबल को सॉल्व करते हैं, दैट इज निगेशिएशन ऑफ क्यू। तो निगेशिएशन ऑफ क्यू, निगेशिएशन में ट्रू का फॉल्स होता है और फॉल्स का ट्रू होता है। तो निगेशिएशन ऑफ क्यू, टी इज एफ, एफ इज टी, टी इज एफ एंड एफ इज टी। सो वी कैन राइट हियर निगेशिएशन, किसका निगेशिएशन लिखा है, सिर्फ और सिर्फ Q का। तो निगेशिएशन ऑफ Q हमने T का लिखा F, F का लिखा T, T का लिखा F और F का लिखा फिर से T। अब यहां पर P implies negotiation of Q, मतलब P और negotiation of Q में implication लगा हुआ है। अब implication क्या कहता था, कि अगर TF होगा तो F होगा, बाकी सारी चीजें true हो जाएगी। TF होगा तो F होगा, बाकी सारी चीजें true हो जाएगी। तो देखिए टी एफ होगा तो एफ होगा, सो इट इज पी एंड इट इज निगेशिएशन ऑफ क्यू, तो टी एफ होगा तो फॉल्स होगा, टी एफ होगा तो फॉल्स होगा, बाकी सारी चीजें ट्रू हो जाएगी। तो पहले इसमें ये टी और ये एफ यानी ये फॉल्स आ गया, बाद में ये टी और टी यानी यहां पे आ जाएगा ट्रू, एफ और एफ यानी यहां पे फिर मिल जाएगा ट्रू, एफ और टी यानी यहां पे फिर मिल जाएगा हमें ट्रू।
negation of q मतलब p implies negation of q, तो p p first column और negation of q fourth column, तो हमें implication का जो भी rules apply करना है first और fourth के ऊपर करना है, यहाँ से कोई values को नहीं लेना है। p की value क्या थी, t, और negation की value थी f, तो t implies f कहता है f आएगा, तो यहाँ पर आ गया f। उसके बाद t implies t होता है true, f implies f भी होता है t, f implies t भी होता है t। So after in the sixth column में क्या कहा है, ये जो p implies negation of q आया है उसका negation निकालना है, मतलब fifth column का negation। So f का हो जाएगा t, t का हो जाएगा f, t का हो जाएगा f, और t का हो जाएगा फिर से f। From that table we have see that, हम यहाँ से देख सकते हैं कि column number 3 और column number 6, column number 3 और column number 6 की सारी value same है। यहाँ पर t, यहाँ पर t, ये f, 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 that means we have proved that, so therefore column 3 is equal to column 6, column 3 किसके equal है, column 6 के equal है, therefore we have proved that p and q equivalent to, ये जो तीन lines दिख रहे हैं, इसे equivalent का symbol है, p and q is equivalent to negation of p implies negation of q। तो ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया है कि ट्रुथ टेबल, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। इट इज सिंपल, ये सिंपल उसी वक्त होगा जिस वक्त आपको लॉजिकल कनेक्टिविटीज के ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से याद होंगे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं, मार्किंग्स के लिए कोई ये नहीं होता है। अगर आपने गलती से यहाँ t के जगह f और f के जगह t कर दिया तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ ही नहीं होगा। सो प्लीज लर्न द टेबल्स, ट्रुथ टेबल्स बाय हार्ट, एंड उसे अच्छे से थोड़ा सॉल्व किए तो बहुत मार्किंग टॉपिक है, मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर हो जाएंगे इस टॉपिक में। सो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। चलो देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम है, p एंड q इंप्लाइज r, इक्विवेलेंस टू p implies to q implies r। यहाँ पर हमें तीन स्टेटमेंट मिल गए, p, q और r। इसके प्रीवियसली हमने सिर्फ p और q के स्टेटमेंट्स को देखा था कि वो किस तरीके से सॉल्ट आउट किए जाएंगे, पर अब हमने यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स को इन्वॉल्व किया है, वह है p, q और r। तो इन स्टेटमेंट्स को देखिए किस तरीके से लिखे जाते हैं। फर्स्ट इज p, q और r। जब हम p, q और r लेते हैं तो जब हमने दो वैल्यूज लिए थे p और q, तो उस वक्त हमने टी टी एफ एफ लिया था और q को टी एफ लिया था, पर जब हम p q और r लेंगे तो हमें आठ एज लाइक प्रोबेबिलिटीज, जिस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटीज में देखा था, एक कॉइन फेंके तो दो पॉसिबल आते थे, दो कॉइन्स को फेंका तो हमें सैंपल स्पेस चार मिलते थे, अगर तीन कॉइन्स को फेंका तो हमें सैंपल स्पेस आठ मिलते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें p की आठ वैल्यूज लिखना होगा, वो किस तरीके से लिखेंगे हम, टी 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 एफ एफ F और F, T T T T, चार बार T और चार बार F, उसके बाद Q में दो बार T दो बार F, फिर से दो बार T और दो बार F। प्लीज ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, टी 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 यानी जब हम P Q और R ऐसा तीन स्टेटमेंट्स को लेंगे तब हमें वहां पर आठ वैल्यूज लिखनी होगी। पहले P के लिए चार बार T, चार बार F, बाद में Q के लिए दो बार T, दो बार F, दो बार T, दो बार F, और फिर R के लिए T F T F T F T F। इट इज सो सिंपल, थोड़ा सा अगर एक बार ध्यान में आ जाता है तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। सो हम सबसे पहले अब लेफ्ट हैंड साइड के बारे में देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, P एंड Q इंप्लाइज किसे कर रहा है, R को कर रहा है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाना होगा P एंड Q का, सबसे पहले टेबल बनाना होगा P एंड Q का, उसके बाद ये P एंड Q किसे इंप्लाइज कर रहा है, R को इंप्लाइज कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे P एंड Q इंप्लाइज R। टेबल बनाते वक्त एक चीज थोड़ा सा केयरफुली रखिए, कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स की कौन सी वैल्यूज कब लेना है, पहले कौन सा टेबल लिखना है, पहले कौन से वैल्यूज को लिखना होगा। सो पहला कॉलम हमने बनाया P का, दूसरा कॉलम बनाया हमने Q का, तीसरा कॉलम बनाया हमने R का, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में पहला वैल्यू है P एंड Q, तो हमने लिख लिया P एंड Q। बाद में कंप्लीट इसमें और कोई लॉजिकल लॉजिकल कनेक्टिविटीज यूज नहीं की हुई है, सो हमने उसको कंप्लीट ले लिया P एंड Q इंप्लाइज R।
अब जाते हैं राइट हैंड के साइड, राइट हैंड साइड में क्या है पी, तो ऑलरेडी हमारे पास पी है, अब राइट हैंड साइड में क्या है क्यू इंप्लाइज आर, तो हमने इसे लिखा क्यू इंप्लाइज आर, हमने इसे लिखा क्यू इंप्लाइज आर, और क्यू इंप्लाइज आर पी फिर इंप्लाइज कर रहा है उसे, सो हमने लास्ट में लिखा पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर। सो हम इसे नंबर दे देते हैं ताकि हम समझने में इजी हो जाए, इट इज माय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन, दैट मीन्स मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो फिफ्थ कॉलम है वो किसके इक्वल होगा सेवन कॉलम के, मतलब फिफ्थ कॉलम्स में जो वैल्यूज मिलेगी, जो ट्रुथ वैल्यूज मिलेगी वो सेवन कॉलम के ट्रुथ वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो नाउ स्टार्ट विद पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी कंजंक्शन, कंजंक्शन कहता है कि दो टी होंगे तो ट्रू होगा, बाकी सारी चीजें फॉल्स हो जाएगी, तो दो टी होंगे तो ट्रू होगा, सिर्फ हमें पी और क्यू देखना है, तो दो टी यानी टी, दो टी यानी टी और बाकी सारी चीजें फॉल्स, मतलब टी ए फॉल्स, टी ए फॉल्स, एफ टी और एफ टी भी फॉल्स, एफ एफ और एफ एफ भी फॉल्स। तो ये हो गया पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू कंजंक्शन कहता है कि अगर दो टी होंगे तो ट्रू होगा, बाकी सारी चीजें फॉल्स हो जाएगी। अब पी एंड क्यू मतलब फोर्थ कॉलम जो है वो इंप्लाइज कर रहा है थर्ड कॉलम को, मतलब आर को, फोर्थ कॉलम इंप्लाइज कर रहा है थर्ड कॉलम यानी आर को, इंप्लीकेशन क्या कहता था, इंप्लीकेशन कहता था अगर टी एफ होगा तो एफ होगा, बाकी सारी चीजें ट्रू हो जाएगी, टी एफ होगा तो एफ होगा, यहां हमें टी टी इस तरीके से नहीं देखना, क्या कर रहा है फोर्थ इंप्लाइज कर रहा है थर्ड को, फोर्थ ये पी एंड क्यू इंप्लाइज कर रहा है थर्ड को, यानी हमें देखना होगा ऐसा टी और टी है तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने इंप्लीकेशन में क्या देखा है अगर टी एफ है तो एफ होता है, टी एफ है तो एफ होगा, तो यहां देखिए टी और टी है तो ट्रू है, टी और एफ है, टी और एफ है मतलब ये एफ होगा, ये एफ और टी है तो ट्रू हो जाएगा, एफ और एफ है तो भी ट्रू हो जाएगा, एफ और टी है फिर भी ये ट्रू होगा, एफ और एफ है फिर भी ये ट्रू, एफ और टी, क्या कहा था मैंने एफ और टी, टी और एफ होना चाहिए, टी और एफ अगर है तो टी और एफ अगर होगा तब हम फॉल्स कहेंगे, बाकी सारी चीजें ट्रू होती है, तो ये एफ और टी हो जाएगा ट्रू, एफ और एफ भी हो जाएगा ये ट्रू, मतलब मेरा फिफ्थ कॉलम पी एंड क्यू इंप्लाइज आर मिल चुका है, मुझे मिला है टी एफ टी 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 टी, ठीक है। अब जाते हैं क्यू इंप्लाइज आर की तरफ, क्यू इंप्लाइज आर, क्यू मेरा सेकेंड कॉलम, आर मेरा थर्ड कॉलम, फिर से इंप्लीकेशन आ गया है, इंप्लीकेशन कहता है टी एफ होगा तो एफ मिलेगा, बाकी सारी चीजें ट्रू हो जाएगी, तो Q implies R, T F होगा तो F होगा, so that means T और T मुझे मिल गया T और T F हो गया तो ये हो गया F, F T फिर से true, F F फिर से true, T T फिर से true, T F again T F आ चुका है, यानी T F आ गया है इसका मतलब ये क्या होगा false होगा, F F true, F F फिर से true, ये हो गया मेरा सिक्स कॉलम जिसमें हमने लिखा Q implies R को। अब सेवेंथ कॉलम की तरफ चलते हैं, सेवेंथ कॉलम क्या कह रहा है P implies Q implies R, मतलब फर्स्ट कॉलम सिक्स्थ कॉलम को implies कर रहा है, फर्स्ट कॉलम सिक्स्थ कॉलम को imply कर रहा है, TF फिर से वही चीजें याद रखो, TF यानी F, TF यानी F, बाकी सारी चीजें ट्रू हो जाती है इसमें, तो फर्स्ट कॉलम सिक्स्थ कॉलम को implies कर रहा है, दैट इज T और T, T मिल गया है मुझे, T और F फॉल्स होता है, T और F फॉल्स होता है, सो वी हैव यहां F मिल जाएगा, फिर T और T फिर से ट्रू, T और सिक्स कॉलम दैट इज T, T और T फिर से T, F और T, T मिलेगा, F और F फिर से T मिलेगा, ये F और ये T फिर से T मिलेगा, ये F और ये T फिर से T मिलेगा। तो यहां पर देखिए सेवेंथ कॉलम में हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम यानी ये जो P है वो इंप्लाइज कर रहा था सिक्स्थ कॉलम को, दैट मींस P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, तो इंप्लाइज मतलब TF यानी F, सो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, तो अभी हम इक्विवेलेंट चेक करेंगे कॉलम नंबर फिफ्थ और कॉलम नंबर सेवेंथ को, तो देखिए यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी 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 अगेन टी, यहां पर भी टी, यहां टी,
यहां पर भी टी, यहां पर टी, यहां पर टी. फ्रॉम दैट हियर वी कैन राइट दैट. सो कॉलम 5 इज इक्वल टू कॉलम 7. सो देयरफॉर वी प्रूव दैट P and Q implies R is equivalent to P implies Q implies R. इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे टॉटोलॉजी कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्टीजेंसी में, कि किस तरीके से प्रूफ आउट किया जाएगा कि टॉटोलॉजी कॉन्ट्रेडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है. तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टॉटोलॉजी कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्टीजेंसी. टॉटोलॉजी क्या कहता था कि अगर लास्ट कॉलम अगर टी आ जाए, पूरी तरीके से टी आ जाए तो हम उसे टॉटोलॉजी कहेंगे, लास्ट कॉलम में अगर पूरी तरीके से एफ आ जाए तो हम उसे कॉन्ट्रेडिक्शन कहेंगे, और लास्ट कॉलम में अगर मिक्स आता है यानी टी आएगा यानी एफ आएगा तब हम उसे कॉन्टीजेंसी कहेंगे. तो हमें यहाँ इस स्टेटमेंट पैटर्न को एग्जामिन करना है कि ये टॉटोलॉजी होगा, कॉन्ट्रेडिक्शन होगा या तो फिर कॉन्टीजेंसी होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले यहाँ पे हमें तीन दिया हुआ है, इट इज पी क्यू एंड आर. So we write here P, Q, R. So now this is 1, 2 or 3. अब यहाँ पर P, Q और R तीन है, इसलिए हमें इसे आठ बार लिखना होगा. So we can write here T, 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 F, F, F और F. उसके बाद Q, Q को कैसे लिखते हैं हम, दो T, दो F, फिर दो T और फिर दो F. उसके बाद R आएगा टी एफ टी एफ टी एफ और टी एफ. तो ये हो गया P, Q और R. अब फोर्थ कॉलम की तरफ चलते हैं. फोर्थ कॉलम हमारा क्या होगा, यहां कह रहा है P और Q, इट इज कॉल्ड द डिसजंक्शन. और डिसजंक्शन क्या कहता है कि अगर दो F होंगे तो F आएगा, बाकी सारी वैल्यूज ट्रू आएगी. दो F होंगे तो F आएगा, बाकी सारी वैल्यूज ट्रू आती है. सो इट इज फोर्थ कॉलम इज P और Q. फोर्थ कॉलम क्या है हमारा, P और Q. सो दो F होंगे तो फॉल्स आएगा, बाकी सारी वैल्यूज ट्रू आएगी. तो दो F ढूंढते हैं हम, दो F जहां होंगे वहां फॉल्स लिख लेंगे, बाकी सारी जगह हमें T लिखना होगा. सो इट इज टी 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 अगेन टी 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 एफ टी टी एफ टी एफ टी टी एफ टी टी. दो F होंगे तो फॉल्स आएगा, इसलिए एफ एफ F और F F F. तो ये हुआ disjunction. एक बार फिर याद दिला दूं, conjunction में दो T T होते हैं, दो F F होते हैं, implication में T F F होगा और double implication में T T और F F T होगा. So now fifth column की तरफ चलते हैं. तो fifth column कह रहा है fourth column और third column. Fourth column P और Q और R. P और Q और R. So it is P और Q और R. सो टी और टी होगा टी, टी एफ होगा टी, अगेन टी टी भी होगा टी, टी एफ होगा टी, टी टी होगा टी, टी एफ टी, एफ टी इज टी बट एफ एफ इज एफ. एफ एफ क्या होगा, एफ होगा. ना सिक्स कॉलम की तरफ चलते हैं. अब सिक्स कॉलम में देखिए यहां में डबल इंप्लाइज की वैल्यूज है. पहले इसे निकाल लेंगे, फिर इसे निकालेंगे, उसके बाद उन्हें डबल इंप्लाइज करेंगे. सो इट इज Q और R, Q और R. अब Q और R चाहिए मुझे, तो Q यानी 2 इंप्लाइज 3 है. तो T और T, अगेन T, TF इज T, FT इज T, FF, FF रहा तो फॉल्स होगा, इसलिए यहां FF फॉल्स है. TT, T, TF, T, FT is T and again FF is false. So यहाँ पर sixth column हमने बनाया Q और R. अब seventh column क्या कह रहा है, P और Q और R. Seventh column is P और Q और R. P यानी मेरा first column, Q और R मेरा sixth column. यहाँ पे first और sixth के बीच में logical connectivity joined हुई है और. So now again first और sixth column में तो T और T अगेन टी, टी एंड टी इट इज ऑल्सो टी, टी एंड टी इट इज टी, टी एंड एफ इट इज टी, एफ एंड टी इट इज ऑल्सो टी, एफ एंड टी इट इज टी, एफ एंड टी इट इज टी, एफ एंड एफ इट इज एफ. ठीक है, डिसजंक्शन था तो लास्ट इसमें आएगा हमारा एफ. अब लास्ट कॉलम हमारा एट कॉलम क्या कह रहा है, Q
कि फिफ्थ, ये देखिए फिफ्थ की तरफ, थोड़ा फिफ्थ कॉलम की तरफ ध्यान दीजिए, पी और क्यू और आर, पी और क्यू और आर ये डबल इंप्लाइज है किससे, सेवेंथ से, दैट इज पी और क्यू और आर से, सो वी कैन राइट हियर, मैं यहां थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, फाइव डबल इंप्लाइज सेवन, दैट मीन्स कॉलम नंबर फाइव डबल इंप्लाइज कर रहा है कॉलम नंबर सेवन के साथ में। अब डबल इंप्लीकेशन क्या कहता था कि दो टी होगा तो ट्रू आएगा और दो एफ होगा तो ट्रू आएगा। सो नाउ लेट्स गो, टी एंड टी, इट इज टी, टी एंड टी, अगेन इट इज टी, टी एंड टी, इट इज टी, टी एंड टी, इट इज टी, टी एंड टी, अगेन टी, टी एंड टी, इट इज टी, टी एंड टी, इट इज टी, एफ एंड एफ इज ऑल्सो टी। सो नाउ लास्ट कॉलम अगर हम देखें, कॉलम नंबर ए, तो यहां पर सारी वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज जो है वो टी है, दैट मीन्स इन द लास्ट कॉलम ऑल द स्टेटमेंट पैटर्न्स जो हमारा निकला हुआ है, स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज टी है, इसीलिए हम इसे कहेंगे टोटोलॉजी। एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टी, देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी, इसीलिए ये क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। आई होप ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपने स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी और सिमिलरली कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के बारे में समझा होगा और आपको समझ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।